क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, ठीक है, स्केच द ग्राफ। तो इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2। तो इसको जरा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो जस्ट ये आ जाएगा 2 एंड माइनस एक्स माइनस 5। जैसे मैं नीचे लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 ओवर 2, ठीक है। जस्ट अब हम क्या कर लेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लेट कर लेंगे x की डिफरेंट वैल्यूज। हम अब लेट करते हैं, लेट x क्या है हमारे पास, x ले लेते हैं, एक ले लेते हैं माइनस फाइव। माइनस फाइव इसलिए कि y जीरो हो जाएगा, वरना आप इससे माइनस थ्री माइनस टू भी ले सकते हैं कुछ भी। तो एक मैं माइनस फाइव ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस फाइव पुट करें तो ये नॉमिनेटर जीरो हो जाता है, तो जीरो बटा टू जीरो हो जाएगा। एक जीरो ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं जीरो को, जीरो की बजाय माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन लेंगे तो माइनस सिक्स ओवर टू, एक हमारे पास एक्स और वाई जो आ जाएंगे वो फॉर्म में आ जाएंगे, ब्रैकेट्स उसके डेसिमल की फॉर्म में नहीं आएंगे। और तीसरा ले लेते हैं फाइव, ठीक है, माइनस वन फाइव, माइनस वन और फाइव लेने का मकसद यही था कि इसमें जो ये वैल्यूज जब पुट करूंगा माइनस फाइव माइनस एक्स, तो देखते जाइए आपके पास जो वैल्यूज आएंगे वो डेसिमल में नहीं आएंगे। आप इसमें ऐसी वैल्यूज पुट, जब रेशो आ जाइए रेशो की फॉर्म में हो, तो कोशिश करें ऐसी वैल्यूज पुट करें जिनसे जो आंसर आए वो डेसिमल की फॉर्म में ना हो। डेसिमल क्या फॉर्म है, 1.2 और 1.5, इस तरह की फॉर्म में ना हो, मुश्किल होता है स्केच करने में, एक्यूरेट पॉइंट हम नहीं ड्रा कर सकते। तो हम लेट दिस एंड फाइंड वाई, और फाइंड क्या करेंगे वाई, तो जब एक्स हमारे पास है माइनस फाइव, एक्स क्या है माइनस फाइव, तो वाई क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव ओवर टू। ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस फाइव एंड इट इज माइनस फाइव ओवर टू। माइनस फाइव और प्लस फाइव क्या हो जाएंगे, आप उसमें काट के जीरो ओवर टू, तो यहाँ से वाई की क्या वैल्यू निकल आएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई जीरो, जब एक्स क्या था फाइव था, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू किस तरह आएगी, जब वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो वाई क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा माइनस इंटू माइनस वन माइनस फाइव ओवर टू। अब ये माइनस इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस फाइव ओवर टू, तो ये माइनस फोर ओवर टू बन जाएगा, जो कि क्या होगा माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, जब एक्स इज इक्वल टू हम पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू फाइव पुट करेंगे तो वाई क्या बन जाएगा, y बन जाएगा माइनस इंटू फाइव माइनस फाइव ओवर टू, तो ये माइनस फाइव क्या बन जाएगा, माइनस टेन ओवर टू, ठीक है। माइनस टेन ओवर टू, टू फाइव जब टेन होता है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस फाइव, ठीक है, माइनस फाइव, और ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। तो तीनों ही ये किस क्वाड्रेंट में है, ये वाली हमारे पास सेकंड, जब बनाते हैं इसे ग्राफ, अब हम प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस, या सबसे पहले सॉरी टेबल, अभी रहता है टेबल बनाते हैं। टेबल क्या बन जाएगा हमारे पास, x एंड y, तो x जब था हमारे पास माइनस फाइव, तो उसके कंपैरेटिव y की क्या वैल्यू थी, y था हमारे पास जीरो, ठीक है। जब x था हमारे पास माइनस वन, तो y क्या आया, y आया माइनस टू, और जब था हमारे पास x था फाइव, तो y क्या आ गया, y आ गया हमारे पास माइनस फाइव, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे अपने प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह पहले सबसे पहले अपने वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे आप, ठीक है, फिर आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर मूव,
y x dash x and y dash, ठीक है. तो अब इसके बाद आप अपने स्केल लिख लेंगे कि इस पर क्या क्या किस किस जगह पे क्या वैल्यू है. तो ये आपके स्केल्स आगे 1 2 3 1 मैं 1 लिख रहा हूँ, उसके बाद 3 लिख रहा हूँ, उसके बाद 4, के बाद 5 लिख रहा हूँ. अंडरस्टूड है कि इसके दरमियान 6 होगा, इधर 7 है, ठीक है. ये अगर 1 है तो ये क्या है 3, ये क्या है 5 4, एंड दिस इज ओवर 7. अगर ये है हमारे पास -1 तो ये क्या होगा -3, एंड दिस इज योर -5. आप इस तरह भी लिख सकते हैं बॉक्स छोड़कर, क्योंकि स्केल आप रिप्रेजेंट साथ कर देंगे कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू इज योर 1 यूनिट. इसी तरह अगर ये -1 है तो ये क्या आ जाएगा -3, दिस इज योर -4 एंड दिस इज योर -7, ठीक है. तो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्स -5 है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू -5 और वाई क्या है 0. तो इस एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0 होता है, और एक्स क्या होगा यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू -5. तो इसके लिए मैं लिख दूंगा -5 एंड 0 इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पर. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्स क्या है -1 और वाई क्या है -2. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1 और वाई क्या है -2, ये इस जगह पे पॉइंट लाई करेगा. यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, एक्स क्या है -1 और वाई क्या है -2 इस पॉइंट पे. लास्ट है एक्स क्या है 5, एक्स क्या है 5 और वाई क्या है -5. तो दिस इज योर 5 1 3, इधर 5 आएगा, ठीक है, और ये माइनस में होगा. तो एक्स पॉजिटिव 5, ये एक्स पॉजिटिव 5 आ गया, और यहाँ से एक्स -5, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है. यहाँ पे क्या है 5 एंड -5 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, यहाँ ऑर्डर पेयर जो क्या होगा 5 एंड -5. अब इनको एक लाइन की मदद से जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह. सॉरी फॉर दैट, क्या आपके पॉइंट्स तो लिख चुके हैं आप, ये था पॉइंट -1 एंड -2. तो यहाँ से ये एंड दिस, इसको यूं बढ़ा देंगे और ये यहाँ से यूँ चली जाएगी, और इसके ऊपर लिखते हैं कि किसका ग्राफ आया हमारे पास, y is equal to -x/2 and -5/2. तो ये हमारे पास ग्राफ इसका बन गया, ठीक है. दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.